दोस्तों, विटिलिगो के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, गलत धारणाएं हैं और कुछ लोगों के मन में विटिलिगो के बारे में अनेक शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे बड़ी धारणा लोगों के अंदर ये है, लोग समझते हैं कि विटिलिगो एक छुआछूत की बीमारी है, यानी कॉन्टेजियस है। ये गलत है बिल्कुल। विटिलिगो छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये तो स्किन में जो कलर बनाने का सिस्टम है, जो पिगमेंट सिस्टम है, वो खराब हो जाता है, उसके कारण से विटिलिगो हो जाता है। दूसरी बड़ी भ्रांति विटिलिगो के बारे में है, लोग समझते हैं विटिलिगो एक हेरिडिटरी डिजीज है, यानी किसी को विटिलिगो हो गया तो उसके बच्चों को भी विटिलिगो होगा। विटिलिगो 100% हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। हाँ, विटिलिगो होने का कारण कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब मिलकर विटिलिगो का कारण बन जाते हैं। तो इसीलिए तो अगर किसी व्यक्ति को विटिलिगो है तो उसके बच्चों को विटिलिगो होने के चांसेस केवल 5% है। और इसी तरह आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उसमें अगर एक बच्चे को विटिलिगो है तो दूसरे बच्चे को विटिलिगो होने का केवल 23% चांसेस है। तीसरी बड़ी गलतफहमी विटिलिगो के बारे में लोगों को है, लोग इसको तरह तरह के खान पान से जोड़ लेते हैं। अक्सर लोग विटिलिगो को सफ़ेद चीज़ों से जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि दूध पीने से और मछली खाने से विटिलिगो हो जाता है, या सफ़ेद दाल खाने से विटिलिगो हो जाता है, या दही या अन्य सफ़ेद चीज़ खाने से विटिलिगो हो जाता है। फैक्ट्स ये है कि अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि किसी भी प्रकार के खान पीन से विटिलिगो होता है। और इसी तरह लोग कहते हैं कि विटिलिगो एक दफ़ा हो गया तो फिर खट्टी चीज़ें खाने से बढ़ जाएगा, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और इसलिए विटिलिगो में खाने पीने का कोई असर नहीं होता है। ये तीन बड़ी भ्रांतियाँ थी। अब अपन आते हैं कि लोगों के जो डाउट्स हैं विटिलिगो के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं लोगों के। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि विटिलिगो शायद शरीर को नुकसान, तो पूछते हैं अक्सर कि क्या विटिलिगो शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। ये सही नहीं है। विटिलिगो शरीर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशानी हो जाती है और वो व्यक्ति अपने आप को समाज में थोड़ा अलग थलग पाता है, उस पर धीरे धीरे हीन भावना डेवलप हो जाती है और अल्टीमेटली जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन जो लोगों के मन में अक्सर रहता है वो ये है कि विटिलिगो चूँकि ऑटोइम्यून डिजीज कहलाती है, तो क्या विटिलिगो वाले व्यक्ति को दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी। देखिए, इसका आंसर ये है कि ये 100% नहीं है कि विटिलिगो वाले को ऑटोइम्यून डिजीज होगी। हाँ, इसके चांसेस 15-25% केवल होते हैं कि 15-25% लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, जिसके अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 हो सकती है, जिसके अंदर एलोपेशिया एरेटा हो सकता है, जिसके अंदर एडिसन्स डिजीज हो सकती है, पर्निशियस एनीमिया हो सकती है, थायराइड हो सकती है, हाइपो या हाइपर थायराइड हो सकती है। तो ये जितनी और ऑटोइम्यून डिजीज हैं, ल्यूपस है, इनमें से कोई भी डिजीज़ कि विटिलिगो पेशेंट को हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस केवल 15-25% है। अब एक विटिलिगो के बारे में और लोगों के अंदर क्वेश्चन आता है, वो होता है कि क्या विटिलिगो पेशेंट्स को स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, अभी तक जितने साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है कि जिन लोगों को विटिलिगो होता है उनके स्किन कैंसर होने के चांसेस 3 गुना कम हो जाते हैं। एक और प्रश्न जो अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि क्या विटिलिगो को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसका कोई बचाव है। तो देखिए, ऐसा है, विटिलिगो के अपने को एग्जैक्ट कॉज का ही पता नहीं, इसका क्या कारण है एग्जैक्टली। तो जब कारण ही नहीं पता तो इसके प्रिवेंशन का अपन कुछ नहीं कह सकते कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। हाँ, विटिलिगो जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण से होता है, तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे अपने को कुछ बचना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो। इसी तरह से इंजरीज हैं, फिजिकल इंजरीज, केमिकल इंजरीज या सनबर्न की इंजरीज हैं, उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जो कि मेलानोसाइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये केमिकल्स फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं या हाइड्रोक्विनोन होते हैं। ऐसे केमिकल्स या तो फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं, तो जहाँ पे ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं तो ऐसे वर्कर्स को इन केमिकल्स से बचना चाहिए, या जो अपन डे टू डे लाइफ के अंदर इन केमिकल्स से बनी हुई चीज़ें अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें और रबड़ की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इन प्लास्टिक की चीज़ों में कुछ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि शूज़ हैं, प्लास्टिक की चप्पल्स हैं, बिंदी हैं, इलास्टिक बैंड्स हैं, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जिनमें केमिकल्स हो सकते हैं, एडिसिव्स हैं, डियो हैं, और कुछ ब्लीचिंग क्रीम्स आती हैं और या फेयरनेस क्रीम्स आती हैं। इन सब चीज़ों से जिनमें ये केमिकल्स हाइड्रोक्विनोन और फिनोल्स यूज होते हैं उनसे अपने को बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।